नमस्कार दोस्तों, बारिश के बाद 8-8 ओवर का हुआ मुकाबला और भारतीय टीम को मिला इतने रनों का लक्ष्य, और फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव और जायसवाल का आया तूफान और इस रोमांचक मुकाबले में आखिरी में इस टीम ने जीत हासिल की। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने एक बार फिर से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका टीम की शुरुआत थोड़ी खराब रहती है क्योंकि कुशल मेंडिस आते ही 10 रन पर आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद निश्लंका और कुशल परेरा के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और दोनों ही बल्लेबाज श्रीलंका की टीम को 80 रनों तक पहुंचाते हैं। तभी निश्लंका 32 रन पर आउट हो जाते हैं और दूसरे छोर पर कुशल परेरा भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभाने कमेंडू मेंडिस आते और इन दोनों के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप होती है। कुशल परेरा शानदार 53 रनों की पारी खेलते हैं और वहीं कमेंडू मेंडिस भी 26 रन बनाते हैं और कप्तान असलंका 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 161 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाती है। और भारत की तरफ से रवि बिश्नोई ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए और उसके अलावा अक्षर पटेल, अर्शदीप और हार्दिक पांड्या को 2-2 विकेट मिले और जवाब में 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम उतरती है। लेकिन तभी मैदान में बारिश होने लग जाती है और कई देर बारिश की वजह से इस मुकाबले में ओवरों में कटौती होती है और 8-8 ओवर का यह मुकाबला होता है और भारत को 8 ओवर में 78 रनों का लक्ष्य मिलता है। और फिर उसके बाद जायसवाल और सैमसंग पारी की शुरुआत करते हैं। जायसवाल पहले ही ओवर में 12 रन ठोक देते हैं लेकिन दूसरे छोर पर सैमसंग पहली ही गेंद पर दूसरे ओवर की आउट हो जाते हैं और 0 रन पर सैमसंग पवेलियन लौटते हैं और भारत को 12 रन पर पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद जायसवाल और सूर्य कुमार यादव के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। सूर्य कुमार यादव आते ही चौकों की हैट्रिक लगाते हैं और फिर उसके बाद एक शानदार छक्का लगाते हैं लेकिन 12 गेंदों पर 26 रन बनाकर वो भी आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जायसवाल शानदार बल्लेबाजी करते हैं और 15 गेंदों पर 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डालते हैं और भारतीय टीम 6 ओवर में 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लेती है। अब भारतीय टीम को आखिरी 12 गेंदों पर केवल जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी और हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे। हार्दिक पांड्या ने भी आते ही शानदार चौका और छक्का लगाया और इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच को आसानी से फिनिश कर दिया। तो दोस्तों भारतीय टीम फिलहाल T20 सीरीज 2-0 से आगे चल रही है और T20 सीरीज भी हम अपने नाम कर चुके हैं। तो दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।